गांव को उसी तालुका को हमें सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, और ये हम कैसे करेंगे, और जब ये होगा हर एक गांव हर एक तालुका सुजलाम सुफलाम होगा और उसी के साथ में हमारा भारत देश भी सुजलाम सुफलाम होगा। लेकिन अभी ये सब बोलने की बात नहीं है, इसके लिए स्ट्रेटेजी लगती है, इसके लिए सोचना लगता है, इसके लिए दिन रात ये करना पड़ता है कि ये सभी चीजें ये बड़ी स्केल पे हम कैसे कैसे कर सकते हैं। और इसी के लिए इम्पोर्टेंट है हमारे एमसीएल का बिजनेस मॉडल, जिसको जिसने जिसके रचनाकार सलाहकार और शिल्पकार को मैं भी बोलूंगी कि वो इस वेबिनार को आगे बढ़ाए। थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट वंडरफुल स्टोरी। और दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलव फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एक घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक से। आज का जो टॉपिक है, आज के इस टॉपिक का शीर्षक है वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। लेकिन क्या आपको पता है ये जो वेस्ट, ये जो कचरे की संकल्पना है, ये हमारे कुदरत में है ही नहीं। हमारे कुदरत में कोई भी चीज वेस्ट, कचरा ऐसे कुछ है ही नहीं। आपने शायद वो सुना होगा ना फिलोसॉफिकल कि आत्मा तो नश्वर है, आत्मा तो सिर्फ एक देह से दूसरी देह में जाता है, वो कभी मरता नहीं, ऐसे बोलते हैं। अभी मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि वो क्या सच है क्या गलत है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जिससे जिस चीजों से ये पूरा पर्यावरण बना है, हर वो चीज भी नश्वर होती है। कुदरत ने अपने पूरे इस पर्यावरण में, इस धरती माँ ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि कोई भी चीज उसका जीवन काल खत्म होने के बाद अपने आप उसका विघटन हो जाता है और उसमें जो जीवन तत्व होते हैं, मूल तत्व होते हैं, जो कुछ चीजें होती है वो दूसरे जीवों के लिए, सजीव के लिए फिर से तैयार की जाती है या उपलब्ध की जाती है। तो इतना अच्छा जबरदस्त सिस्टम हमारी इस माँ ने तैयार किया है, और इस सिस्टम में, इस पूरे पर्यावरण में करोड़ों ऐसे जीव है जो ये काम करते हैं, जो एक काम जैसे हम बॉडी का असेंबल करते हैं। आपकी मेरी जो बॉडी है, जो हमारा शरीर है, वो 50 ट्रिलियन ऐसे सेल्स पेशियों से बना है, तो असेंबल हुआ है। तो उसको डीअसेंबल करने वाले जो जीव जंतु हैं उसको डीअसेंबलर बोलते हैं। तो ऐसे कई लाखों करोड़ों ऐसे जीव है जो ये काम करते हैं। कोई भी चीज पुरानी हो गई, कोई चाहे वो पेड़ हो, कोई वनस्पति हो, कोई प्राणी हो, कोई भी सजीव हो, तो वो उसका जीवन काल पूरा होने के बाद वो फिर से उसमें जो मूल तत्व होते हैं, उसमें जो घटक होते हैं, जीवस्व होते हैं, वो फिर से इस ब्रह्मांड को, इस दुनिया को दिए जाते हैं। और इसमें सिर्फ छोटे छोटे जीव ही नहीं, बड़े बड़े जीव भी होते हैं जिन्हें हम स्कैवेंजर कहते हैं। अब ये स्कैवेंजर है, बहुत बड़े बड़े जीव होते हैं जो सिर्फ मृत जो चीजें होती है उसके ऊपर जीवित होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो ऐसे नहीं, उनको एक रोल दिया है इस धरती माँ ने कि आपको ये काम करना है, आपको इस रिसाइकलिंग का काम करना है। और ऐसे में कई सारे ऐसे प्राणी है जो बड़े बड़े भी है और जिन्हें हम स्कैवेंजर्स कहते हैं। दोस्तों यहां तक कि मैं आपको बता दूं, कई ऐसे आज भी हमारे जीवन में समस्याएं है, चैलेंजेस है कि जिसका हल हमारे पास नहीं है। मनुष्य के पास कोई ऐसा यंत्र ही नहीं है जो इस समस्याओं का समाधान करे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। अगर समुन्द्र में बहुत बड़ी मात्रा में अगर तेल गिरता है, अगर इस मिट्टी में बहुत बड़े बड़े हाई मेटल्स गिरते हैं, कई ऐसी चीजें हैं जो एग्जाम्पल से मैं आपको बताना चाहूंगा, बता सकता हूं, और जिसके लिए आज भी ये धरती माँ, ये प्रकृति जो काम कर रही है करोड़ों सालों से, उसी को ही हम लोग फिर से एम्प्लॉय करते हैं, उसी के कारण ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है, और जिसे हम कहते हैं बायो रेमेडिएशन। दोस्तों हम ये पूरी जो न्यूट्रिएंट है, मैंने बहुत बार आपको कहा है कि ये इसमें प्रकृति में होता है बायोडिग्रेडेशन। कोई भी चीज अगर वो बंद हो गई तो उससे फिर डिग्रेड होके, डीके होके वो फिर रिन्यूअल में चली जाती है। और ऐसे ही है ये न्यूट्रिएंट साइकिल। हर कुछ मैंने कई बार कई सारे प्रेजेंटेशन में आपको ये न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में बताया, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे बार बार आपको बताऊं, बार बार मैं आपको बताऊं कि जिस चीजों की हमें जरूरत लगती है
जिस चीजों से सिर्फ हम लोग ही नहीं, हर सजीव के लिए जिसकी जरूरत लगती है, हर वनस्पति प्राणी को जिसकी जरूरत लगती है, वो हर चीज इस धरती माँ ने एक साइकिल के रूप में तैयार करके रखी है। हर वो चीज जो हमें लगती है वो इस तरह से उसका व्यवस्थापन है कि जो बार 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 हमें मिलती है, चाहे वो ये न्यूट्रिएंट हो, चाहे ये कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब चीजें जिसके बारे में बहुत कुछ आज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और सिंपल देखिए, पानी की भी इतनी अच्छी व्यवस्था अभी धरती माने की करके रखी है। 12 महीने में से 4 महीना हमें पानी आता है। 4 महीना छोड़िए, 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना भी अगर पानी आता है तो काफी है। उसे 1 महीना जब पानी आता है, वो नल जब आता है तो उसको रखना चाहिए स्टोर करके। वो नहीं करते हम लोग, वो तो करते ही नहीं। और ऊपर से जो भी पानी उस प्रकृति ने हमें नेचुरल देती है, अवेलेबल करके देती है, नदियां है, तालाब है, ये सब चीजें, उसको खराब करते हैं हम लोग। लेकिन फिर भी ये धरती माँ फिर से उसका संप्लवन करके फिर से वो ऋतु उसने इस तरह से तैयार की है कि पानी भी हमें बार 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 कितनी भी खराबी हम लोग करें लेकिन हमें बार बार मिलता है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि ये वो नियम है कि जिसके वजह से पिछले 350 करोड़ सालों से ये धरती माँ सभी जीवों को जीवित रख रही है। ये प्रकृति का, ये धरती माँ का, ये कुदरत का ये जो नियम है, ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ कोई भी चीज वेस्ट है ही नहीं, कचरा है ही नहीं। क्योंकि अगर कचरा तैयार होता था तो इतने करोड़ों साल से हम लोग जी ही नहीं पाते। दोस्तों, हम लोग अभी जिस सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं ना कि विकास होना चाहिए, लेकिन विकास के साथ होना चाहिए शाश्वत विकास, होना चाहिए सस्टेनेबल विकास, होना चाहिए हमेशा हजारों साल तक ये चलता रहना चाहिए। देखो, आबादी कितनी भी बढ़े, हमारे धरती माँ के पास, इस कुदरत के पास उसके लिए पर्याप्त संसाधन है। हमें जो भी चीजें लगती है ना वो कुदरत में है। और अगर हमारी आबादी भी आगे चल के बढ़ी तो भी उसका ख्याल रखेगी, इतना सब कुछ हमारे यहाँ है, हमारी इस कुदरत में। लेकिन इस चीज को कैसे हम लोग शाश्वत की ओर, सस्टेनेबिलिटी की ओर लेके चले, इसके नियम जो है वो हमें समझने पड़ेंगे। उस नियम के आधार पर हमें चलना पड़ेगा, तब जाके इस कुदरत को फिर हम लोग हजारों साल तक, यानी कुदरत तो वैसे ही रहेगी, हम लोग शायद नहीं रह सकते इसके ऊपर, ऐसी परिस्थिति निर्माण हो सकती है। और ये जो कचरे का विषय है, ये जो कचरा है, ये जो वेस्ट है, ये प्रॉब्लम ये सभी सजीवों में से, ये जो मनुष्य करके जो प्राणी है, ये मनुष्य जो सजीव है, इसने खुद तैयार की है। और मनुष्य ये ऐसा प्राणी है कि खुद करता है, खुद प्रॉब्लम तैयार करता है और उसकी सजा भुगतने के लिए सबको छोड़ देता है। अभी ये कचरा इतनी बड़ी समस्या बन गई है कि जिसके वजह से पूरे इस पर्यावरण के न जाने कितने सारे जीव अभी उस खतरे में है, संकट में, कई सारे जीव लुप्त होते जा रहे हैं। इतना बड़ा संकट इस पर्यावरण में इस कचरे की वजह से है। तो कचरा कैसे तैयार होता है? तो दोस्तों, कचरा यानी क्या, अगर कचरे का मैं आपको व्याख्या दूं, बताऊं कि कचरा यानी क्या, कचरा यानी जो चीज हमें नहीं लगती वो कचरा है, अनवांटेड, अनयूजेबल, जिसको हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो हमको चाहिए नहीं, जो हम लोग ऐसा कोई भी चीज, कोई भी बाय प्रोडक्ट, इसको हम लोग कचरा कह सकते हैं। और एक कचरा भी द्रव रूप हो सकता है, वायु रूप हो सकता है, घन रूप हो सकता है। द्रव रूप यानी क्या, पानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं नदियों से और उसको लेते हैं नदियों से, उसको इस्तेमाल करते हैं और वो टॉयलेट का पानी, घर का पानी करके फिर से कचरे के इसमें डाल देते हैं, उसको बोलते हैं द्रव रूप कचरा। ये जो भी ईंधन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कोयले से लेके पेट्रोल डीजल तक, उसको इस्तेमाल करने के बाद जो धुआं छोड़ते हैं उसे कहते हैं वायुरूप कचरा। और आज जिस कचरे के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है घनरूप कचरा। अब ये घनरूप कचरा यानी सॉलिड वेस्ट जो है वो उसके कई सारे स्रोत है। अपने यहाँ जो घरेलू कामकाज है उससे लेके कमर्शियल चीज से लेके फैक्ट्री, एग्रीकल्चर, खेती, हमारे खदाने, इंडस्ट्रीज, इस सभी सारे चीजों से ये सॉलिड कचरा, ये घन कचरा तैयार होता है। लेकिन बार बार आपने एक चीज सुनी होगी जिसका नाम है MSW, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। कहीं भी कोई कॉन्फ्रेंस हो, कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हो, राष्ट्रीय लेवल पे हो, तो जब भी सॉलिड वेस्ट की बात आती है तो लोग बात करते हैं MSW। तो क्या है MSW? तो दोस्तों, MSW यानी म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का शॉर्ट फॉर्म। MSW यानी म्यूनिसिपल लिमिट में, शहरों के क्षेत्र में जो कचरा तैयार होता है, जो
सॉलिड वेस्ट यानी घन कचरा तैयार होता है उसके बारे में ये लोग डिस्कस करते हैं और इसे कहा जाता है MSW। तो मैक्सिमम जो फोकस है पूरी दुनिया का, जो जब जब भी घन कचरे की बात करते हैं तो उनका मैक्सिमम फोकस होता है शहरों में तैयार होने वाला कचरा MSW। लेकिन ऑफकोर्स ये कचरा शहरों में भी होता है और गाँव में भी तैयार होता है। दोस्तों ये इसके जो प्रमुख स्रोत है, सबसे पहला जो स्रोत है MSW का वो घर का है। घर में जो किचन में है या पूरे दिन में हम लोग जो भी चीजें इस्तेमाल करते हैं, न जाने कितने सारे चीजों से इस कचरे की शुरुआत होती है, तैयार होता है। उसके अलावा हमारे आजू बाजू कितने सारे कमर्शियल एक्टिविटीज हैं, दुकानें हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, दवाखाने या हॉस्पिटल्स हैं और मॉल्स हैं, कई सारी चीजें हैं। इन सभी चीजों से जो भी ये कमर्शियल एक्टिविटी है, पैसे कमाने वाली चीजें हैं, उससे कचरा तैयार होता है। दूसरे संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस, स्कूल है, कॉलेज है, उससे लेके हमारे सरकारी दफ्तर है, प्राइवेट ऑफिसेस है, हॉस्पिटल्स है और ऐसे कई न जाने कितने सारे अलग अलग संस्थाएं होती है। हर संस्था अपने यहां से एक कोई ना कुछ सॉलिड वेस्ट को तैयार करती है। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, ये भी अभी जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और कंस्ट्रक्शन में आप पुरानी बिल्डिंग को तोड़ दो या नई बिल्डिंग या नए रोड वगैरह का तैयार करो, हमेशा उसमें काफी सारा कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन के जो कचरा है वो तैयार होता है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज, अभी इंडस्ट्रीज शहरों में हो सकती है, बाहर हो सकती है, हर इंडस्ट्री से कचरा तैयार होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उस इंडस्ट्री से उनका जो किचन होता है वहां से कचरा आता है, लेकिन उनके प्रोसेस में कई सारे ऐसे इंडस्ट्रीज है जिनमें बहुत सारा घन कचरा तैयार हो सकता है। जैसे अगर कृषि बेस्ड, कृषि आधारित अगर कोई उद्योग है तो वहां बहुत सारा रॉ मटेरियल हम लोग कृषि से लेते हैं और बहुत सारा कचरा तैयार होता है, पेपर का उद्योग है और कई सारे ऐसे, और इसीलिए वो परमिशन लेनी पड़ती है। कोई भी अगर हम लोग उद्योग की शुरुआत अगर करनी है तो वहां उस स्टेट के, उस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण मंडल की हमें परमिशन लेनी पड़ती है। वो इसीलिए ताकि उनको ये बताना पड़ता है कि हम लोग कौन सी इंडस्ट्री है, क्या हम लोग कचरा तैयार करने वाले हैं और कैसे उसका व्यवस्थापन करेंगे। और जैसे आप कचरा तैयार करोगे उसके हिसाब से फिर आपकी जो इंडस्ट्री है वो रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन या व्हाइट जोन में होती है। इसके अलावा सबसे ज्यादा कचरा भारत में जो तैयार होता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है, वो है अपनी खेती। दोस्तों हम सभी कृषि आधारित देश है, सब बहुत ज्यादा कृषि हम लोग खेती करते हैं, खेती से माल तैयार करते हैं। लेकिन सोचिए जिस जो चावल हम लोग तैयार करते हैं, जो गेहूं तैयार करते हैं, वो सिर्फ गेहूं काटने के बाद, चावल काटने के बाद नीचे जो कुछ रहता है वो सब कचरा ही तो है। और अगर पूरा देश खेती कर रहा है तो सोचिए आप उस खेती के बाद जो रहता है वो कितना सारा कचरा होगा और पूरे देश में है। और ये किसान गांव वाले कहां जाएंगे, कहां इसको लेके कैसे व्यवस्थापन करेंगे। तो सबसे कॉमन चीज जो आज के तारीख में इस कृषि के कचरे के साथ, इस कृषि के खेतों में जो हमारा कचरा निकलता है उसके साथ जो हम लोग करते हैं वो है उसको जलाना, उसको जलाते हैं। इसके अलावा एक कचरे का नाम आपने सुना होगा जिसका नाम है हजार्डस वेस्ट। अभी हजार्डस वेस्ट यानी क्या, तो जहरीला कचरा। तो कौन सा कचरा होता है जहरीला कचरा, तो वो कि जो एक्चुअली जहर फैलाता है। ऐसा कौन सा कचरा अगर आप पढ़ोगे तो सबसे पहला आपको सामने आएगा अणु ऊर्जा का कचरा। अणु ऊर्जा दोस्तों, जो रेडियो एक्टिव यानी अणु बॉम्ब, एक ऐसी ऊर्जा है अणु बॉम्ब जिसमें भयंकर बहुत ज्यादा ऊर्जा तैयार होती, लेकिन एक बार वो चालू हुआ तो सालों साल उसके असर, उसका वो जहर वो कम नहीं होता। अभी देखिए जापान के ऊपर अमेरिका ने 2 अनुबॉम्ब डाले, उसको 75 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया, 75 साल से 75 ईयर्स, आज भी जापान में उस जहरीले बॉम्ब की वजह से आज भी वहां जब बच्चे पैदा होते हैं कुछ ना कुछ बीमारी के साथ पैदा होते हैं। तो ये है अनुबॉम्ब। दोस्तों ये अनुबॉम्ब में इतनी ऊर्जा होती है ना कि आपको, हमें कोई जरूरत नहीं है ये रिन्यूएबल, ये जो सोलर पैनल वगैरह तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है। एक अनुबॉम्ब ऐसे रिएक्टर की वजह से इतनी सारी ऊर्जा मिल सकती है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं करते, क्योंकि वही ऊर्जा एक सेकंड में पूरा विनाश कर सकती है। इसलिए पूरी दुनिया में आज की तारीख में ये नए ऊर्जा के लिए जो संकट अभी हमारे सामने है,
हम अणु ऊर्जा कोई भी नहीं करता। अंतरराष्ट्रीय लेवल पे इसके ऊपर भी बंदी है नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर। लेकिन इसके अलावा और एक जहरीला कचरा हम लोग तैयार करते घर में, और उसका नाम है बैटरी। जो भी बैटरी हो, सेल्स हो, ये बहुत ही भयंकर जहरीला कचरा है जो सालों साल तक वैसे रहता है। सालों साल तक आपकी मिट्टी हो, जो भी चीज है, वो उसको खराब करता रहता है। और एक जहरीला कचरा यानी कितने सारे ऐसे केमिकल्स है जो हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं, हमारे टॉयलेट्स के क्लीन हो, फर्श हो, या ऐसे कितने सारे केमिकल्स है जिसके वजह से जहरीला कचरा तैयार होता है। तो जब भी जहरीला कचरा, खतरनाक कचरे की आप बात करते हैं ना, तो ये सिर्फ रेडियो एक्टिव या अनुर्जा की बात नहीं है। आज हर दिन जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हर दिन ऐसा कई सारा जहरीला कचरा हम लोग हर दिन उसको तैयार कर रहे हैं उसके। तो अगर हम लोग सॉलिड वेस्ट की बात करें, घने कचरे की बात करें, तो कई सारे उसके प्रकार है, कई सारे उसके प्रकार हो सकते हैं। लेकिन अगर आम आदमी के हिसाब से, आम नागरिक के हिसाब से अगर आप घन कचरा को देखेंगे, तो उसके सिर्फ तीन प्रकार है। उसका कौन सा प्रकार है? पहला प्रकार है ऑर्गेनिक कचरा। ऑर्गेनिक यानी गीला कचरा, और ऑर्गेनिक यानी वो कचरा जो बायोडिग्रेडेबल, यानी इसको बायोडिग्रेडेबल कचरा भी कहते हैं। यानी ये वो कचरा है कि जो खराब होता है, जो सड़ता है, जिससे बदबू आती है। ये वो कचरा है कि जो सजीवों से यानी वनस्पति और प्राणी से तैयार होता है और आता है। ये वो कचरा है कि जो एक बार तैयार होने के बाद जब पर्यावरण में जाता है, तब हमारी व्यवस्था ही ऐसी बनाई है कुदरत ने कि इसके ऊपर फिर वो बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो है, जो उसके अंदर भी हो सकते हैं और बाहर भी हो सकते हैं, इसको आप मिट्टी में डालोगे तो उसके ऊपर वो काम होता है और वो डिग्रेड हो जाता है। दूसरा ऐसा कचरा है जो है सूखा कचरा, जो न डिग्रेड होने वाला, नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा, इनऑर्गेनिक कचरा, ऐसा सब कचरा है। और ये कौन सा कचरा है? ये वो कचरा है कि जो इस पेट्रोकेमिकल से आता है। तो कौन सा कचरा रहता है इसमें? इसमें प्लास्टिक होता है, रबड़ होता है, इसमें जो कपड़े हम लोग पहनते हैं, 80% कपड़े आज वहां से पेट्रोकेमिकल से आते हैं, वो सब कपड़े होते हैं। और हर वो चीज जो इस पेट्रोकेमिकल से बनती है, वो पूरी चीज इसमें होती है। और ये ऐसा कचरा है कि जो इसका कभी भी ये बायोडिग्रेडेबल होता ही नहीं। यानी अगर आप प्लास्टिक को, रबर को फेंकोगे, तो सालों साल, सैकड़ों साल, हजारों साल तक वो प्लास्टिक वैसे रहेगा, उसको कभी भी वो डिके नहीं होता। और तीसरा जो कचरा है वो इनर्ट, निष्क्रिय कचरा, और इसमें आती है मिट्टी और पत्थर। दोस्तों, लेकिन तो आम आदमी के हिसाब से जब भी आप कचरे के बारे में सुनते होंगे गांव में, शहरों में, तो वो एक ही बोलते हैं, गीला कचरा, सूखा कचरा, अलग अलग करो। तो गीला कचरा, सूखा कचरा, या बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा, बस इतना ही आज की तारीख में लोग समझते हैं और उसको सेग्रीगेट करते हैं। तो ये सॉलिड वेस्ट कैसे तैयार होता है, कितना तैयार होता है? तो अगर हमारे देश की बात करें, तो जितने भी व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति के ऊपर कम से कम 200 ग्राम से लेके 600 ग्राम इतना कचरा प्रति व्यक्ति हर दिन तैयार हो रहा है। ग्राम, 200 ग्राम से लेके 600 ग्राम, अभी एवरेज है। कई कई जगह ऐसे होंगे कि जहां प्रति व्यक्ति 2-2 किलो तक कचरा तैयार होता होगा। कई ऐसे इलाके होंगे कि जहां सिर्फ 100 ग्राम पर प्रति व्यक्ति तैयार होता होगा। तो ये एक पूरा रेंज है और उसमें एवरेज है। तो रेंज कैसे तैयार होती है? तो दोस्तों, वहां शहरों में और गांव में डिफरेंस है कि कैसा कचरा तैयार होता है। शहरों में बहुत ज्यादा कचरा होता है, गांव में बहुत कम कचरा होता है। वैसे देखा जाए तो जितने ज्यादा हम लोग विकास करते हैं, उतने तो ऐसा माना जाता है कि अगर विकास कर रहे हैं आप, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा सूझबूझ है, आपके पास ज्यादा टेक्नोलॉजी है, आप ज्यादा कुछ करना चाहिए। लेकिन होता उल्टा है। अभी इस शहरों में भी अगर आप देखोगे ना, तो जो सबसे ज्यादा विकसित है ना, वो सबसे ज्यादा कचरा तैयार करता है। जो हमें लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। जो ज्यादा विकसित है, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जो ज्यादा सूझबूझ वाले हैं, वो ज्यादा कचरा तैयार करते हैं। और जो गांव के हमारे लोग हैं, वहां बहुत कम कचरा प्रति व्यक्ति तैयार होता है। और यही दिखाई देता है पूरी दुनिया में भी। पूरे दुनिया में भी ऐसे देश जैसे अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, वहां प्रति व्यक्ति बहुत ज्यादा कचरा तैयार होता है। और जो पिछड़े या डेवलपिंग ऐसे देश है, वहां बहुत कम कचरा तैयार हो रहा है। दोस्तों, अभी इस कचरे का जो कंपोजिशन है, यानी कचरे में क्या क्या होगा, ये भी अपने अपने हिसाब से हर जगह पे अलग अलग होता है। यानी अगर भारत की बात करें हम लोग, तो भारत में ऑलमोस्ट 50% तक गीला कचरा होता है, यानी बायोडिग्रेडेबल
गीला कचरा होता है और 50 बचा हुआ जो है वो उसमें सिर्फ एक सूखा कचरा, डिमोलिशन वेस्ट, ये बाकी सब कुछ होता है। लेकिन ये जो कंपोजिशन है, अगर शहरों में जाओगे आप तो शहरों में क्या होता है, ये गीला कचरा कम होगा और सूखा कचरा ज्यादा होगा। गीला कचरा फिर 50% से कम होगा, 30-40% हो सकता है। और गांव में जाओगे तो गीला कचरा ज्यादा होता है, यही गीला कचरा फिर 60-70% हो सकता है और बाकी का सभी कचरा 10-20% हो सकता है। तो ये पूरा कचरा का जो कॉम्बिनेशन है, कंपोजिशन है, कि कैसे वो कचरा किससे बनेगा, वो डिपेंड करता है कि कहां से वो कचरा आ रहा है। तो कितना कचरा तैयार होता है, तो दोस्तों इसका मैंने अभी क्या लिखा है, एस्टिमेट, अंदाजा। अंदाजा क्या है कचरा तैयार होने का, तो एक्चुअली अंदाजा है, हम एक्चुअली ठोक से बोल ही नहीं सकते कि इतना कचरा इस शहर से, इस गांव से तैयार हो रहा है, क्योंकि सभी लोग उसके लिए वो कचरा उसने उन सिस्टम में देना चाहिए ना। आज अगर मैं एक कचरा तैयार कर रहा हूं तो मैंने देना चाहिए उस म्युनिसिपैलिटी में या गांव की ग्राम पंचायत की जो कुछ चीज है वो व्यवस्था में, लेकिन नहीं करते लोग। बहुत सारे लोग तो वो कचरा कहां अपने बाजू में, पीछे इधर उधर नाला में, पानी में कहीं तो डाल देते हैं। तो लोग ये संकलन में, कलेक्शन में लोग पूरी तरह से 100% उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, इसीलिए एक्चुअल कितना कचरा तैयार हो रहा है भी नहीं समझते। जो भी म्युनिसिपालिटी, जो भी ग्राम पंचायत फिगर्स देती है, वो उनको जितना कचरा वो संकलन कर पाती उतनी देती है। अभी देखिए नीति आयोग, जो प्लानिंग कमीशन के बाद बना नीति आयोग, तो हमारे देश का सबसे बड़ा आयोग की अभी सॉलिड वेस्ट के ऊपर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। तो उन्होंने भी अपने पहले पेज पे ऐसे लिखा है कि हमारे देश में इतना कचरा होता है तैयार, इसका हम लोग अंदाजा दे रहे हैं। तो कितना देता है, कितना होता है कचरा, तो अगर आज हमारे देश में 140 करोड़ की आबादी है, तो 140 करोड़ आबादी और मिनिमम जो रेंज है 200 ग्राम से लेके 600 ग्राम, तो 200 ग्राम ही पकड़ते हम लोग, तो 200 ग्राम भी पकड़े तो हमारे देश में आज की तारीख में हर दिन 280,000 टन तैयार हो रहा है हमारे देश में, पूरे देश में। नीति आयोग ने जो रिपोर्ट दी है वो MSW के बारे में दी, शहरों में जो तैयार होते हैं। हमें पता है कि शहरों में 45% से लेके 48% लोग आज की तारीख में शहरों में रह रहे हैं। तो वहां उस शहरों में नीति आयोग कहती है कि 133,000 से लेके 150,000 टन पर दिन इतना तैयार होता है। तो प्रति व्यक्ति शहरों में आज की तारीख में 350 ग्राम से लेके 550 ग्राम इतना कचरा तैयार हो रहा है। और अगर कलेक्शन की बात करें तो मैं बताऊंगा आपको कि 2014 के बाद जब से स्वच्छता अभियान मिशन की शुरुआत हुई है, तब से ये कचरे का संकलन बहुत अच्छा हो गया, लेकिन फिर भी आज की तारीख में ये जो संकलन है वो 70% ही है, जहां शहर है, म्युनिसिपालिटी एरिया वहां। लेकिन अगर शहरों में जहां पूरी तरह से व्यवस्था है, सब कुछ है, वहां अगर 70% है, 70% कचरा कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो सोचिए गांव में क्या है, गांव में क्या होता होगा। गांव में ऐसा आपको नजारा दिखाई दे, गांव में कहीं गांव के बाहर इधर उधर कहीं गड्ढे में, और स्पेसिफिकली वो पानी के आजू बाजू, कहीं समंदर हो, नदी हो, यहां वहां आज कचरा जा रहा है। यानी प्रॉब्लम यह है कि कलेक्शन सिस्टम जो है कचरा कलेक्ट करने, यही सिस्टम बहुत सारी जगह पे नहीं है। ग्राम पंचायत वो कलेक्शन सिस्टम करेगी कि नहीं, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ग्राम पंचायत कितने पैसे कमाती है, ऊपर से थोड़ा बहुत उनको पैसा मिलता है, लेकिन अगर ग्राम पंचायत के यहाँ पैसे कमाने के ज्यादा स्रोत नहीं है तो ये पूरी सिस्टम वहां नहीं होती। बहुत कम ग्राम पंचायत ऐसे कि जो उनके पास बहुत अच्छी खासी ऐसी सिस्टम होती है, जो बड़ी बड़ी ग्राम पंचायत है। लेकिन इसके अलावा कई सारे नगर, ये जो नगर पालिका की हम लोग बात कर रहे हैं ना, वैसे क वर्ग नगर पालिका, सबसे छोटी जो नगर पंचायत हम जिसे कहते हैं नगर पंचायत, तो कई सारे ऐसे नगर पंचायत है, नगर निगम भी है, कि जहां इस व्यवस्था के लिए भी जो चाहिए उतना निधि या उतना एस्टिमेट नहीं होता। ये पूरा जो कलेक्शन सिस्टम है यही हमारे यहाँ 100% नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है कि लोग ये कलेक्शन सिस्टम न होने की वजह से जहां चाहिए मन चाहे वहां कचरा भी फेंक रहा है। और सबसे सभी हमारे लोगों का सबसे जो प्यारी पसंदीदा चीज होती है पानी के बाजू में, हमारी नदी हो, तालाब हो, समंदर हो, हमको तो लगता है बस पानी में डाल दो, बस अपना हो जाए। एक तरह हम लोग वहां उनको पूछते हैं, माता मानते हैं, देवी मानते हैं, और ऊपर इतना सारा कचरा उसमें डालते, सभी तरह का कचरा डालते। उनके पानी के अंदर कुछ जीव है, उसको हम कुछ लेना देना है ही नहीं, उस पानी से हमें हमारी
पीने का पानी मिलता है, खेती होती है, वो कुछ है नहीं। उसके अलावा सिर्फ यही नहीं, लोग ही नहीं, कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस, यानी अगर ये फोटो अगर आप देखोगे तो कुछ इंस्टीट्यूशंस भी ऐसा काम करती है। इसका कारण यह है ना कि आज इस कचरे के लिए, डंपिंग के लिए, प्रक्रिया के लिए जगह ही नहीं है, और इस प्रक्रिया के लिए जगह मिलना ये बहुत मुश्किल काम हो गया है। क्योंकि बहुत सारी जगह पे आप देखोगे कि ये कचरे का जो डंपिंग है, अभी डंपिंग में बार बार डंपिंग बोल रहा हूँ, और आप सभी भी यही नाम सुना होगा डंपिंग। डंपिंग ये शब्द ही गलत है ना, क्या होना चाहिए, कचरा प्रक्रिया केंद्र होना चाहिए। वैसा नहीं होता, डंपिंग यानी डाल देना। तो वैसे लोग सिर्फ कचरा डालते हैं, जिसके वजह से बदबू आती है, बीमारियां होती है, आजू बाजू ना बच्चे पढ़ पाते हैं, ना कोई वहां आता है घर खरीदने, कोई विकास नहीं होता। इसलिए जहां जहां इस कचरे के ऊपर जो कुछ प्रक्रिया केंद्र नहीं, डंपिंग ग्राउंड होता है ना, वहां वहां आजू बाजू के गांव वाले आज की तारीख में आंदोलन कर रहे हैं। कई सारे ऐसे लोकल इश्यूज है कि जो करने नहीं देते, फिर क्या करे ऐसे प्रॉब्लम है। क्योंकि ऑलरेडी जो जगह है जहां कचरा डालना चाहिए, वहां बहुत सारे शहरों में वो जगह अभी पूरी तरह से बंद हो चुकी है, वह अभी जगह नहीं ज्यादा अतिरिक्त, और दूसरी जगह लोग करने नहीं देते, तो फिर क्या करे कचरे का, तो यहां वह अभी डाल रहे हैं। दोस्तों गीले कचरे से खाद बनाना, है ना, तो अपने आप इसकी खाद बन जाती है, क्योंकि उसमें इतने सारे सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो काम करते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि खाद तो बनती है, लेकिन उसमें जो तैयार होता है मीथेन, तैयार होती है एनर्जी, वो एनर्जी चली जाती है हवा में, और ये जो मीथेन है, अगर आपने इस मीथेन को रोका नहीं तो ये भी ग्लोबल वार्मिंग करवाता है। कार्बन डाइऑक्साइड से 21 गुना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करवाता है ये मीथेन। तो कंपोस्टिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कचरे से आप खाद तो बनाते हो, लेकिन वो जो मीथेन चला जाता है उससे ग्लोबल वार्मिंग चलती रहती है। और आपने ऐसी मशीन भी देखी होगी शहरों में, गाँव में, बहुत सारी संस्थाओं में, कि जो कंपोस्टिंग मशीन करके लोग आज उसको बेचते हैं, तो क्या होता है उसमें, तो ये मशीन यानी एक्चुअली मिक्सर होता है। इसमें आप कचरा डालते हो और मिक्सर से आप उस कचरे को छोटा छोटा पार्टिकल करते हो, कि जिसके वजह से फिर इस पार्टिकल के ऊपर वो उससे खाद बहुत जल्दी बनती है। अभी ये वैसे ही है ना कि हम लोग जब खाना खा रहे हैं तो पहले उस खाने को चबाते अच्छी तरह से दांतों के साथ, जब ज्यादा चबाते हैं उसका पार्टिकल साइज कम होता है तो अच्छा फिर हमारा डाइजेशन होता है। वैसे ही है कि अगर आप इसको पहले अच्छा उसका मिक्सर में डालोगे, ग्राइंडिंग करोगे, उससे छोटे छोटे पार्टिकल करोगे, तो बहुत जल्दी खाद बन जाती है, आपका टाइम बचता है। लेकिन क्या होता है कि जब हम लोग खाना खाते हैं तब हमें मिलती है ऊर्जा, सुबह जो जाता है वो है फर्टिलाइजर, तो वही यहाँ क्या होता है कि वो ऊर्जा, वो मीथेन जो है वो हम लोग छोड़ देते, वो नहीं मिलती। दूसरा जो प्रकार है जो इस गीले कचरे के ऊपर करता है वो है बायोमिथेनाइजेशन, बायोगैस बनाना। अभी ये वो प्रक्रिया है कि जिसमें फिर ये मीथेन को हम लोग छोड़ते नहीं बाहर, यानी जो गीला कचरा आता है उसे खाद तो बनाते हैं, लेकिन उसके साथ बनाते हैं बायोगैस। इस बायोगैस से बनती है बायोसीएनजी, इस बायोगैस से फिर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं। अभी हम निपेर ग्रास से जो कुछ काम कर रहे हैं ये वही प्रक्रिया है बायोमिथेनाइजेशन। दोस्तों हमारे देश में एक संस्था है जिसका नाम है BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अभी इस संस्था ने, इस गवर्नमेंट की संस्था ने एक ऐसा प्लांट बनाया है कि जो इस गीले कचरे के साथ बायोगैस के प्लांट बनेंगे और बायोगैस तैयार हो, और ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे ना तो मैक्सिमम जगह पे ये प्लांट लगाए गए, यानी बड़ी महानगर पालिका से लेकर नगर पंचायत तक कई सारी जगह पे ये बायोगैस के प्लांट आज लगाए गए। लेकिन सबसे बड़ा प्लांट आज हमारे देश में है वो इंदौर में है, जहां लगभग 17 टन इतना बायोसीएनजी तैयार होने वाला है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है डोमेस्टिक, यानी ये जो बायोगैस का प्लांट है छोटा भी मिलता है, तो गवर्नमेंट ने पिछले 40 सालों से गवर्नमेंट अभी ये भी कोशिश कर रही है कि आप छोटे छोटे बायोगैस के प्लांट लगाएं।
तो अपने घर के पीछे आपका जो भी कचरा था वो खुद ही उस बायोगैस के प्लांट में डाले और वही से वो जो गैस बनेगा उससे अपना चूल्हा जलवाए। इसके अलावा जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस है, संस्थाएं है, कोई कॉलेज है, हॉस्पिटल है या दफ्तर है, तो वहां जो भी छोटा कचरा निकलता है उससे उसको हम लोग कंपोस्ट है, उससे बहुत बेहतर खाद बनाई जाती है कचुओं के साथ। ये जो अर्थवर्म है ये सबसे अच्छी, दुनिया की सबसे अच्छी खाद बना सकते हैं। जहां जहां खेतों में ये कछुए होते हैं, ये अर्थवर्म होते हैं, वो खेत बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, उपजाऊ होता है। उसका कारण ही यही है कि तो इतनी अच्छी तरह से इसका विघटन करता है कि बहुत ज्यादा उत्पादकता वो जमीन को देता है। और अगर मैं, लेकिन एक चीज है जो हम लोग सालों से करते आ रहे हैं, अगर आप गांव की तरफ जाओगे तो सालों से एक चीज का एक कन्वेंशनल वे है, हमारी पद्धति है। क्या हम लोग करते हैं कि घर के पीछे एक ऐसा गड्ढा तैयार करते हैं और घर का जितना भी ऐसा सड़ने वाला जो कचरा है, जो गीला कचरा है, उसको वहां देते हैं, वहां रखते हैं, और फिर 15 दिन के बाद, एक से एक महीने के बाद हमें पता है कि उसका उसका खाद बनती है उसकी, और वही खाद फिर हम लोग अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो रही गीले कचरे की बात। सूखे कचरे की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो सूखे कचरे के लिए सबसे ज्यादा प्रेफर्ड जो प्रोजेक्ट किया जाता है ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं बोलूंगा, लेकिन हमारे देश में भी बहुत सारी जगह पे सूखे कचरे के ऊपर क्या करते हैं, तो उसका नाम है लैंडफिल। लैंडफिल यानी क्या? तो एक बहुत बड़ा सा गड्ढा करते हैं, उसको पहले मिट्टी से लैमिनेट करते हैं, उसके बाद उसको ऊपर प्लास्टिक डालते हैं, फिर प्लास्टिक के ऊपर थोड़ी सी कुछ सूक्ष्म जीव जो ऐसे विघटन करने वाले सब बायोकैटलिस्ट वगैरह डालते हैं, और फिर उसको ऊपर कचरा 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 डालते रहते। लेकिन एक बार वो पूरा खत्म हो गया तो उसके बाद फिर से वो प्लास्टिक डालते हैं, मिट्टी डालते हैं और उसको बंद कर देते हैं। तो इस तरह से वो प्रक्रिया होती है कि आप गड्ढा बनाते हैं और धीरे धीरे जब वो भर जाता है तब दूसरी कोई साइट, दूसरी जगह वहां चले जाते हैं। इसे कहते हैं लैंडफिल। और वो पूरा बंद करने के बाद फिर ऊपर से वो जो मिथेन तैयार होता है अंदर, उससे भी निकालने के लिए पाइप होते हैं, वैसे उससे भी जो खाद निकालने के लिए कुछ लीचिंग कुछ पानी आता है उसके निकालने के लिए भी पाइप रखते हैं, ऐसा सब कुछ इसमें इंतजाम होता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्लांट है जो बहुत सारी जगह पे है, वो ये है कि उस कचरे से एनर्जी, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, कचरे से एनर्जी बनाना। यानी क्या? तो ये जो पूरा जो सूखा कचरा है ना, इस कचरे को आप एकदम कॉम्पैक्ट करके एकदम उससे आप ईंटें बनाते हैं। कचरे को, सभी तरह का कचरा, सूखा कचरा, उसमें रबर प्लास्टिक सब कुछ है, तो उसको लाया, उसको अपने एक उससे ईंटें बनाई या अपने ऐसा पिलेट्स बना जो आप देख रहे हैं, तो ऐसे बनाया और उसको कोयले की जगह, जैसे कोयले से कैसी बिजली बनती है, उस कोयले के प्लांट में कोयला डाला जाता है, उसको जलाया जाता है और बिजली बनती है, वैसे ही वो कोयले की जगह पे ये पूरा आप प्लांट डालते हो। कोयले की जगह पे आप ये जो तैयार कर रहे हो उसको डालते हो और उसको जला के बिजली तैयार करते हो, और इसे कहते हैं वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। लेकिन दोस्तों, ऑफकोर्स इसको RDF प्लांट भी कहते हैं, जिसे कहते हैं रिफ्यूज यानी कचरा, डेराइव फ्यूल, तो कचरे से जो आता है फ्यूल उसका प्लांट। लेकिन कभी आपने देखा है प्लास्टिक को जलते हुए? कभी आपने देखा है कि बच्चे लोग वो रबर को जलाते हैं, वो वायर होती है ना उसके अंदर का कॉपर निकालने के लिए उस वायर को जलाते हैं या टायर को जलाते हैं? एक जगह आप कोयला रखिए और एक जगह ये टायर वायर रखिए, तो आपको पता चलेगा कितना सारा धुआं इस चीज से निकलता है। आप सोच नहीं सकते इतना ज्यादा धुआं, इतना ज्यादा पोल्यूशन इस चीज से होता है, हम लोग देखेंगे। और इससे ही आगे जो नेक्स्ट स्टेप है वो इंसिनरेशन में, यानी उसमें कोई आप उसकी ना ईटे बनाते हैं ना पैलेट बनाते, कुछ नहीं, वो कचरे को लेते हैं और सीधा जलाते हैं, इसे कहते हैं इंसिनरेशन प्लांट। ये इतना भयानक है, इतना भयानक है, यानी हमने देखा कि आप कैसे वो जब रबड़ को जलाते हो तो क्या होता है। आज के तारीख में वो मैडम ने कहा ना कि जो भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही ना, पूरे दुनिया में 50% से 60% जो ग्लोबल वार्मिंग वो सिर्फ और सिर्फ कोयले से हो रही है। और सोचिए कोयले की जगह पर अगर आप ये रबड़ को, प्लास्टिक को जलाएंगे ना, तो ये ग्लोबल वार्मिंग और ये पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ता है, इतना ज्यादा। आप कभी जाके देखिए कोई भी जब जलाता, आपको पता चलेगा कितना काला धुआं उसमें होता है, कितना ज्यादा पोल्यूशन, कितना ज्यादा गर्मी होती है। और वो आज हम लोग इस इंसिनरेशन प्लांट में करते हैं। इसके अलावा अगर वो प्लास्टिक अलग से मिलता है, रबड़ अलग से मिलता है, तो उसके
अलग अलग रिसाइकलिंग प्लांट्स भी होते हैं। उसके अलावा अगर कुछ पेपर कुछ स्पेसिफिक चीजें है तो उसके भी रिसाइकलिंग प्लांट्स है जो किए जाते हैं। तो आज फिर क्या करते हैं, तो ये हुई अलग पद्धति। आज की तारीख में क्या हो रहा है, तो आज की तारीख में देखिए कि कलेक्शन बेहतर हो रहा है। 2014 के बाद जैसे स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ है तो आज हम लोग बेहतर से बेहतर इसको कलेक्शन कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो प्रोसेसिंग होनी चाहिए उस प्रोसेसिंग के लिए सिर्फ 20-22% 25% 28% इतना ही प्रोसेसिंग के लिए जाता है दोस्तों, और बाकी सब कुछ लैंडफिल के नाम के ऊपर ये हो रहा है। क्या हो रहा है, डंपिंग। कुछ लैंडफिल वगैरह ये सब ऐसा डालो, गड्ढा करो, ऐसा सब कुछ करो, उसमें सब प्लास्टिक डालो उसके ऊपर, कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ ऐसे ओपन डंपिंग। और मुझे लगता है कि आपको भी ये पता है, आपको पता है, आप कभी जाओगे तो आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। लोग सिर्फ ऐसे लैंडफिल के जगह पर इतने बड़े बड़े पहाड़ बन रहे हैं, कचरा लाया और वहां उसने डाला। और ये पहाड़ सिर्फ गांव में, शहरों में नहीं, गांव में भी बन रहे हैं। आजकल आप देखोगे ना तो गांव में, शहरों में पानी के बाजू में, तालाब के बाजू में, किसी समुन्द्र के बाजू में, ये ऐसे पहाड़ आपको कचरे के नजर आएंगे। और ये जो प्लांट की मैंने बात की, ये इतने इतने धुआं और इतना पोल्यूशन करते हैं कि कई सारे प्लांट्स, ये जो प्लांट वेस्ट टू एनर्जी के प्लांट है वो वहां गए, जो स्टेट के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, केंद्रीय कंट्रोल बोर्ड है, एनजीटी करके राष्ट्रीय हरित लवाद है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इन्होंने बंद किया है। अभी दिल्ली में इतना सारा पोल्यूशन होता है, फिर भी दिल्ली में जो चलता है वो ओखला का प्लांट वो बंद किया है इस एनजीटी ने। इतना पोल्यूशन इससे होता है। इंसिनरेशन तो जो कई जगह पे लगे हुए, इंसिनरेशन तो ऐसे समझे कि पूरी दुनिया में अभी बैन है ऑलमोस्ट, कोई तरीका नहीं। इसलिए कर रहे लोग क्योंकि उससे जो धुएं निकलते हैं ना वो डायरेक्ट कार्सिनोजेंस यानी कैंसर तैयार करते हैं। उससे जो डायऑक्सिन फ्यूरन निकलते हैं वो तो नॉन कार्सिनोजेंस है। जहां जहां ये प्लांट लगे हैं ना वो आप देखोगे तो 5 किलोमीटर एरिया में कितने सारे कैंसर के पेशेंट आपको नजर आएंगे। और गांव में तो ये परिस्थिति बहुत ही भयंकर है। गांव में हर जगह आप देखोगे तो खेतों में यहाँ वहां, अभी आप जो देख रहे हैं स्कूल के सामने ही ये डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है। और ऑफकोर्स ये बात खेती की कचरे की बात, अभी खेती में जो कचरा है वो तो मैक्सिमम टाइम जलाया जाता है। इनफैक्ट दिल्ली में जो दिल्ली दुनिया का जितने भी सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से एक है, दिल्ली पहले 10 में दिल्ली आता है पूरी दुनिया में। उसका एक कारण ये बताया जाता है कि उसके बाजू में जो पंजाब हरियाणा की जो खेत है और वहां जब ये लोग फसल लेने के बाद खेतों को जलाते हैं वो सब धुआं दिल्ली में आता है और उसकी वजह से दिल्ली इतनी खराब, इतनी प्रदूषित होती है। और ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं, आप देखोगे तो आजू बाजू अपने देश में कई सारे ऐसे शहर हैं जो इससे प्रदूषित होते हैं। अभी गवर्नमेंट के तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर कायदे कानून हैं। 2000 में पहला कानून बना, बाद में अभी 2016 में जो रूल्स बने वो तो आप देखोगे तो पूरे डिटेल में है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे अपने इस कचरे का व्यवस्थापन करना चाहिए, सब कुछ है। लेकिन फिर भी जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। और आज की तारीख में तो ये समस्या इतनी गंभीर हुई है कि बहुत जगह पे एक सामाजिक, एक राजनीतिक समस्या बन गई है। और इसके परिणाम अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है कि जितना भयंकर हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, जितनी तबाही हम लोग ग्लोबल वार्मिंग से कर रहे हैं, उतनी ही तबाही हम लोग आज इस कचरे की वजह से कर रहे हैं। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कचरे के कारण हम लोग नहीं कर रहे। पानी कितना जरूरी है, पानी पृथ्वी के ऊपर जीवन है बिकॉज वहां पानी है। और इस पानी को, चाहे वो समुन्द्र हो, नदी हो, तालाब हो, कुछ भी हो, इस कचरे से हम लोग पूरी तरह उसको बर्बाद कर रहे हैं। जमीन यानी सिर्फ जहां आप डंपिंग करते हो सिर्फ वही नहीं, आजू बाजू की कई सारी जमीन इससे खराब होती है। उससे जो तत्व निकलते हैं ना, वो जो घटिया, वो जमीन में यहां वहां आपके यहाँ कुएं में नजर आते हैं, तालाब में चले जाते हैं। हमारे देश में जितने भी बेड यानी हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट मरीज एडमिट होते हैं, 90% वो एडमिट होते हैं पानी से जो बीमारी होती है ना उससे। ये WHO का रिपोर्ट है या हमारे देश के ICMR का रिपोर्ट है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और एक्चुअली परिस्थिति है। और आपको मालूम है पानी को गंदा करने वाला नंबर 1 दुश्मन अगर कुछ है तो वह है कचरा। और जहां जहां ये डंपिंग होती है, जहां जहां ये पहाड़ बने हैं आजू बाजू के सभी इलाकों में अगर आप देखोगे तो
कई सारे ये अपने फेफड़े की बीमारी, सांस की बीमारी और कई सारे स्किन के वगैरह डिसीज आपको नजर आएंगे। अगर आप इंसिनरेशन की बात करोगे तो इंसिनरेशन तो ऐसा समझे कि मुझे पूरी तरह से इंसिनरेशन इतना खराब है। सबसे बड़ा क्राइम जिसके लिए जेल होनी चाहिए वो ये है कि कचरे को जलाना, जेल होनी चाहिए, इतना भयंकर काम ये है। क्योंकि इससे जो धुआं निकलता है, इससे जो चीजें निकलती है, वो तो सिर्फ आदमी को नहीं, सजीवों को नहीं, आजू बाजू के सभी जो सजीव प्राणी उसको तबाह करते, डायरेक्ट कैंसर होता है इससे। यानी हम लोग बोलते हैं ना कि एक्सरे के सामने मत जाओ, एक्सरे से कैंसर होता है, क्योंकि हमें पता है, दैट इज प्रूफ कि एक्सरे से कैंसर होता है। वैसे ये है, वह कहीं भी जहाज इंसुलेशन प्लांट है ना, आजू बाजू के अगर वो 5 किलोमीटर रेडियस का, अगर आप 5 किलोमीटर रेडियस में जो लोग रहते हैं उनका अगर आप सर्वेक्षण करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे लोगों को कैंसर हो रहा है, बीमारी हो रही है इस स्किन की वगैरह सब कुछ। और ये दिल्ली का क्या करते हैं, मैं आपको बोलता हूँ, एक तो कचरे के पहाड़ बनाते हैं और फिर उसको आग लगती है, और वो आग कौन लगाता है क्या, वो तो जाने दी। लेकिन कचरा सिर्फ वो गांव में हमारे किसान नहीं जलाते, बहुत सारे लोग जलाते हैं। अभी दिल्ली में कचरे का जो पहाड़ बना हुआ है उसको आग लगी, उसको आज 10वां दिन है और 10वें दिन भी वो आग अभी भी चल रही है, क्या आप सोच सकते हैं? और दोस्तों ये सभी जो चीज है ना, ये पूरी चीज इस पूरी दुनिया को तबाह कर रही है। ये कैसे आया कोरोना? ये कोरोना इसीलिए आया क्योंकि पूरा इकोसिस्टम, पूरा पर्यावरण का संतुलन हम लोगों ने बिगाड़ के रखा है, इसलिए वो अपना घर छोड़ के हमारे घर में आता है। दोस्तों ये सभी जो व्यवस्था है जो कुदरत ने करोड़ों सालों से बनाई है, इस पूरे व्यवस्था को तबाह कर रहे हैं हम लोग। और ये नंबर वन कारण ये कचरा है, ऐसी कोई भी चीज नहीं इस कुदरत की जिसके हम लोग कचरे से बिगाड़ नहीं रहे, पूरी दुनिया बर्बाद कर रहे हैं कचरे का, इतना बड़ा प्रॉब्लम आज इस कचरे का है। कुछ अच्छे एग्जाम्पल भी है अपने देश में जो इसके ऊपर अच्छा काम करते, जैसे इंदौर, अलापुपुझा केरला, पंजी गोवा, ये सभी वेस्ट सेग्रीगेशन में अच्छा काम करते हैं। दूसरा बोबिली करके आंध्र प्रदेश में है, मैसूर कर्नाटका में, वेंगुर्ला महाराष्ट्र में, वो गीले कचरे के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरा भोपाल, सूरत या धनकवल उड़ीसा में है, ये लोग मटेरियल प्रोसेसिंग में ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। वो अपने अपने हिसाब से ये सब संस्था अच्छा अच्छा काम कर रही है, लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम इतना बड़ा है, ये सिर्फ कई कई जगह पे लोग कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि ये प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ही नहीं है और दिन ब दिन ये प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। तो क्या करें, कैसे इस प्रॉब्लम को रोकें, क्या करें, क्या सॉल्यूशन है? तो दोस्तों सॉल्यूशन बहुत ही अलग है। सॉल्यूशन यह है कि हमें कचरे के बारे में जो हमारी सोच है उसको बदलना है, कचरे के बारे में जो हमारा नजरिया है उसको पूरी तरह से बदलना होगा। अगर इस प्रॉब्लम को जड़ से हमेशा के लिए मिटाना है तो हमें इसके बारे में पूरी तरह से सोच बदलनी है। और वो क्या सोच है? तो वो सोच यह है कि कचरा कचरा है ही नहीं, कचरा एक रॉ मटेरियल है। कचरा एक ऐसा रॉ मटेरियल है कि जिससे कुछ वस्तु का उत्पादन हो सकता है, कचरा ऐसा रॉ मटेरियल जिसको हम लोग बेच सकते हैं, कचरा एक ऐसी चीज है कि जिससे हम लोग पैसा कमा सकते हैं। ये चीज, ये सोच, ये विचार हमें पहले सबके मन में डालना है और ये करके दिखाना है। आज ये जो कचरा 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 हम लोग कर रहे हैं ना, इसको बिजनेस में कन्वर्ट करना है। और यही तरीका है कि पूरे इस कचरे को, क्योंकि आज कचरे में जो भी कुछ आप देखते हो ना, कोई भी चीज, सिर्फ मिट्टी और ये छोड़ के, वैसे देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन का वेस्ट भी हम लोग बेच सकते हैं ना, जहां जहां जरूरत है वहां। लेकिन हर कोई चीज जो आज आप कचरे में देखते हैं ना, वो हर चीज आज रॉ मटेरियल करके हम लोग बेच सकते हैं। हर वो चीज जो आज कचरे में आप देखते हैं ना, उससे हम लोग कुछ ना कुछ तैयार करके बेच सकते हैं और उससे पैसे कमा सकते हैं। और हर चीज के लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। कोई भी चीज आप लीजिए, गीला कचरा, सूखा कचरा, कुछ भी आप लीजिए, हर चीज के लिए आज ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिससे हम लोग कुछ बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या, मैं आपको बोलता हूँ प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग सिर्फ, हमारा नजर है क्या है कि गीला कचरा, सूखा कचरा। और गीला कचरा कैसे होता है? देखो, एक गीला कचरा यानी क्या? तो गीला कचरा में आपका घर का, किचन का वेस्ट भी है, आपके घर के आजू बाजू जो पत्ते बीते है, किसके पेड़ की टहनी, वो भी आपने डाली,
नारियल का कुछ शेल है वो डाला, मच्छी नॉनवेज वेस्ट है वो डाला, उसमें हड्डी होती है वो डाला, और सब कुछ डाल के वो जो गीला कचरा आपका तैयार होता है वो कहा जाता है फिर बायोगैस में अगर आप डालोगे तो कैसे उसका डाइजेशन होगा बताइए आप। आज ऑन पेपर पिछले 40 सालों से जो अभियान हम लोग तैयार जो हम लोग प्रमोट कर रहे हैं नेशनल बायोगैस एंड मैन्योर मैनेजमेंट प्रोग्राम, इस 40 सालों से लगभग 50 लाख से भी ज्यादा प्लांट आज बायोगैस के ऑन पेपर लगे हैं। गवर्नमेंट छोटे प्लांट्स के लिए सब्सिडी देती है 30%, अगर आप घर के पीछे लगा हुआ है तो गवर्नमेंट सब्सिडी देगी आप, लेकिन ये पूरे कचरे का व्यवस्थापन इसका डाइजेशन ही नहीं होता, क्योंकि गीला कचरा सिर्फ गीला कचरा नहीं है। आज हम लोग जो नेपियर ग्रास से ईंधन बना रहे हैं, मिथेन तैयार कर रहे हैं, वो प्रॉपर उस नेपियर ग्रास के लिए हमारे पास वो बायो कैटलिस्ट है जो 100% उसको डाइजेस्ट करते हैं, लेकिन ये पूरा सब कुछ डाल के अगर आप डालोगे, अभी ये बीआरसी के भी कितने सारे प्लांट लगे हैं पूरे देश में, जाके देखिए अपने आजू बाजू में ऐसे जब प्लांट लगते तो उनकी क्या क्या अभी स्टेटस है, क्या हालत है, नहीं चलते। कहाँ ऐसे प्लांट है कि जहां फिर ये एलपीजी रिप्लेस होता है, क्योंकि इतने सारे प्लांट अगर अपने देश में है तो एलपीजी तो लगना ही नहीं चाहिए, इतनी गैस जनरेट होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है दोस्तों। अभी ड्राई वेस्ट के भी अगर बात करें तो सूखा, अभी सूखे वेस्ट में पूरा है ना, रबर है, प्लास्टिक है, टायर है, कपड़े है, जूते है, सब कुछ है, और ये सब कुछ लेके अगर आप जाओगे तो कैसे इसको रिसाइकल करोगे बताओ आप, कर ही नहीं सकते आप। अगर कुछ भी है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ अवेलेबल, लेकिन रिसाइकल ही नहीं कर सकते, तो फिर अल्टीमेटली ये दोनों चीजें गीला सूखा कचरा कहा जाता है, एक तो ऐसे ही आप डाल देते हो डंपिंग, कोई नहीं होता, नहीं तो आप जलाते हो। और दोस्तों अगर इसका कोई सोल्यूशन है ना, कोई सॉल्व कर सकता है ये कचरे का प्रॉब्लम, ये एक तो बहुत गंभीर समस्या है, आपको पहले समझना पड़ेगा, नंबर वन ये दुनिया के लिए हमारे फ्यूचर के लिए बहुत गंभीर समस्या है, और इसको सॉल्व करेगा कोई भी कानून सॉल्व नहीं करेगा अकेला, या कोई भी सरकार अकेली सॉल्व नहीं करेगी। हमारे देश में किसी भी जगह की कोई छोटा सा गांव लीजिए, या अमेरिका का वाला कोई भी ऐसा बहुत बड़ा शहर लीजिए, यहाँ कोई भी अगर सॉल्व करेगा तो वो है सिर्फ हम लोग, सिर्फ लोग। जब तक लोग इस जिम्मेदारी को समझेंगे नहीं और वो आगे आएंगे नहीं, और एक एक अभियान के तरह इसको नहीं समझेंगे, अभियान पकड़े या बिजनेस पकड़े जो हम लोग अभी करने वाले हैं, जब तक लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ये कचरे का प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगा। और इसीलिए वो सैटरडे सेशन है जो मैं बोलता हूँ कि हर हफ्ते अपने गांव के लिए खड़े रहो और लोगों को बताओ, एक दिन नहीं समझेगा, एक दिन में नहीं समझेगा, दो चार सेशन में नहीं समझेगा, लेकिन दो चार पांच छह महीने बाद लोग सब आएंगे आपके पास। हमने देखा ना वो अफरोज शाह खुद अकेला जाता था, जब भी उसको टाइम मिल जाता था और वो कचरा साफ करता था, पहले दो महीने कोई नहीं आया, बाद में कितनी बड़ी अंतरराष्ट्रीय लेवल पे वो मूवमेंट बन गई, अभियान बन गई। वो ग्रेटा थनबर्ग लड़की भी पहले उसने अकेले ने चालू किया, वैसे अपने घर में अपने गांव में अगर आपको ये काम करना है तो पहले आपको हर हफ्ते वो करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि हर कचरे को, हर उस चीज को आपको कुछ इकोनॉमिक वैल्यू तैयार करना पड़ेगा। हर कोई चीज जो है कचरे की, उसको आपको बिजनेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कुछ भी चीज हो। अभी देखिए हमारे यहां न्यूज पे अखबार आते, अभी अखबार आप हर दिन लेते, एक एक महीना दो दो महीना उस अखबार को संभाल के रखते हो, और दो महीने के बाद जब उस अखबार को बेचते हो, उस रद्दी को बेचते हो, कितने पैसे मिलते हैं हमको? हमको मिलते 150-200 रुपया। तो 200 रुपए के लिए दो महीना आप काम करते हो, वैसे ही अगर आपने हर चीज के ऊपर कीमत कुछ रखी, कुछ करा के दी, भले ही वो कीमत कितने भी कम हो, क्योंकि देखो आप जो फिजिबल रहेगा वही हम लोग लोगों को दे पाएंगे ना। अगर उससे हम लोग कुछ बना रहे हैं तो जो हमें पॉसिबल होगा बिजनेस में वही हम लोग लोगों को देंगे, लेकिन कितना भी कम अगर आप भी आपने दिया तो भी लोग उस चीज को समझेंगे। दोस्तों एक ये जो अलग अलग चीजें जो हम लोग बेच सकते हैं, जिससे हम लोग बिजनेस कर सकते हैं, ये कभी भी ये सेग्रीगेशन कभी भी पॉसिबल नहीं, जब ने आप एक बार आपने कलेक्ट करने के बाद, ये पॉसिबल कब है? सोर्स के यहां, जहां से वो कचरा पैदा होते हैं ना, वही हम लोग उसको अलग अलग कर सकते हैं, दूसरा कोई उपाय ही नहीं। पूरे बिल्डिंग का भी कचरा आपने सभी घरों से लिया, इकट्ठा किया और बाद में करते रहे ना, तो भी नहीं बनेगा। आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके संस्था में जहां जहां ये कचरा आज तैयार हो रहा है, वहां सोर्स के ऊपर वो सेग्रीगेशन करना होगा, नंबर वन। नंबर टू,
ये गीला और सूखा नहीं हो सकता है, अपने गांव में अपने शहर में 30-35 अलग अलग चीजें हो सकती है जिसका वर्गीकरण हो सकता है। कांच तो सिर्फ कांच, कैन तो सिर्फ कैन, मेटल तो सिर्फ मेटल, बैटरी तो सिर्फ बैटरी। और जरूरी नहीं ना कि इस कचरे को हर दिन आप लो, एक कचरे का जो कलेक्शन का काम है जरूरी नहीं हर दिन। अभी रद्दी को हम लोग लेके जाते हैं, दो महीने के बाद रद्दी को देते हैं ना हम लोग, वैसे हर दिन तो सिर्फ वो कचरा हम लोग ले सकते हैं कि जो सड़ता हो, जो एक दिन में खराब होने वाला है वो, और उसको बायोगैस प्लांट में डाले। लेकिन बाकी का ऐसा कचरा है कि जिसके लोग हफ्ते में एक बार जाए, हफ्ते में दो बार जाए तो भी चलेगा, इसे अगर कुछ इकोनॉमिक वैल्यू डाले तो ये ऐसा होगा, 100% होगा। अभी देखे ना, जापान में एक छोटा शहर है, छोटा यानी 1500 लोगों लोग ही रहते हैं वहां, लगभग ऑलमोस्ट 40 से भी ज्यादा उन्होंने अलग अलग चीजें बनाई कि उनके यहाँ उनके गांव में उनके शहर में क्या क्या लोग इस्तेमाल करते, तो उसके लिए अलग अलग उन्होंने ये बनाई है बिन्स, और फिर हर चीज वो प्रक्रिया के लिए चला जाता है। एक कोई भी चीज ऐसी नहीं रहती वहां उस शहर में कि जो डंपिंग के लिए जाती है, जो लैंडफिल के लिए जाती है, कुछ भी नहीं होती, हर चीज रिसाइकल होती है। कामिकात्सु नाम का एक शहर है, आप गूगल करके तो आपको पता चलेगा। तो छोटे शहर में बहुत इफिशियंटली हो सकता है। दूसरी ऐसी बात है ना कि हमें 100% ये जो नजरिया है ना कि हर चीज को हमें ये देखना चाहिए कि इससे हमें पैसे मिल सकते हैं, ये सोने के जैसे है। एक बार ये पता चला गया ना कि इससे पैसे मिल सकते हैं, इसको कुछ हो सकता है, तो लोग बिल्कुल इसको कचरा नहीं समझेंगे। आपने देखा है ना कि सोने की दुकान के सामने, सोना की दुकान के सामने वहां गटर होती है, फिर भी लोग दिन भर उसमें पानी को साफ करते रहते हैं कि चाहे थोड़ा सा सोना मिले, थोड़ा सा कुछ तो मिले। वैसे अगर आपने इस कचरे को अगर वो बनाया तो कौन सी ऐसी चीज होगी बताइए जो आपको सड़क के ऊपर दिखेगी? यानी अगर हम जैसे कोई भी, जैसे आपके अगर शुगर की फैक्ट्री है, कल हम लोग नेपियर गैस भी लेने के लिए किसानों के पास जाने वाले, वो लेके जाने वाले अपने फैक्ट्री में, तो वैसे अगर कचरे के लिए हम लोगों ने किया, वो वही कचरा अगर हमने लिया लेके गए, तो कौन सा किसान इसको जलाएगा बताइए? और आपको पता है हम लोग कितना आज कचरा, ये एग्रीकल्चर का जो वेस्ट है, ये जो रिसोर्स है, कचरा भी नहीं, ये कितना रॉ मटेरियल खराब कर रहे हैं। अगर हमने इसको लिया तो हम लोग 18,000 मेगावाट से भी ज्यादा बिजली कर सकते हैं। आज मैडम ने बताया ना कि कितनी बिजली महंगी हो गई है, कोयला कितना महंगा हो गया, कोई जरूरत नहीं। आपको पता है कि 18,000 मेगावाट है कितना होता है, यानी सिर्फ दो चार भी नहीं, दो तीन ऐसे राज्य हो गए कि जिनकी जरूरत इससे ज्यादा होगी, बाकी सभी राज्य इससे बहुत कम उनको बिजली लगती है। राज्य की बात कर रहा हूं मैं, कई सारे ऐसे राज्य है कि जिनको आधी इसकी बिजली लगती है। पूरे देश का सिर्फ हम लोग एक जो अभी ऐसे ही सड़ रहा है, ऐसे उसको जला रहा है, ऐसा कचरा भी उसको साफ, उसको कलेक्ट करे और उससे ऐसे ईंटे बनाए, ऐसे पिलर्स बनाए और कोयले की जगह इस्तेमाल करेंगे, तो ये वैसे नहीं है जैसे वो जलता है RDF। ये सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट ऐसा कोल है, जैसे बायो कोल बोलते हैं, बेस्ट कोयला है दुनिया का, अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू है और इतना इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण हो सकता है। और ये, लेकिन ये ना, इसके लिए, कचरे के लिए हमें एक स्मॉल स्केल करना पड़ेगा ऑपरेशन। और जापान का एग्जाम्पल देखा आपने कि 1500 लोगों का वो शहर है, और हर जगह आपने देखा ना जो 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 एग्जाम्पल से, वो छोटे छोटे जगह लेवल पे, तो हमें भी ये डिसेंट्रलाइज वे में छोटे छोटे स्केल पे करना पड़ेगा, जीरो वेस्ट। और इसका बहुत अच्छा जो स्केल है वो है अपना वार्ड, म्यूनिसिपल वार्ड। एक बार म्यूनिसिपल वार्ड के सामने देखे और तय कर ले कि उसको जीरो वेस्ट बनाना है तो कर सकते हैं। दूसरा ऐसा एकदम जबरदस्त स्केल है वो है हमारा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत को देखे और उसको समझे कि नहीं, इसको हम 100% जीरो वेस्ट करेंगे, कोई भी यहां से कचरा डंपिंग के लिए नहीं जाएगा। तो दोस्तों, एक बार ये काम हमने किया, एक बार किसी चीज को अगर आपने रिसाइकल इस बिजनेस के लिए, बिजनेस इज बिजनेस, ओनली बिजनेस इज सॉल्यूशन। आप इस रॉ मटेरियल को बिजनेस की तरह अगर हम लोग देखेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे, काम करेंगे इसके ऊपर, तो कोई सवाल ही नहीं आता ना कि कोई अपने बिजनेस का रॉ मटेरियल ऐसे फेंक दे पानी में, जमीन पे, कहीं भी। और अगर आपको लगता है ना कि कोई कोई ऐसे कचरा है जिनका कुछ भी नहीं हो सकता, तो वो गलत है। ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, आपको शायद पता नहीं, सिर्फ ई वेस्ट पे काम करने वाली फैक्ट्रिया है, ऐसी फैक्ट्रिया है कि जो हम लोग उनको अपना कचरा बेचे ई वेस्ट का,
वो उसके ऊपर काम करके वो अपने अलग अलग चीजें बना के वो अपना माल बेचेंगे और पैसा कमाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि प्लास्टिक प्रॉब्लम है, तो कोई भी प्लास्टिक हो, रैपर के प्लास्टिक से लेके बड़ा प्लास्टिक तक, सभी प्लास्टिक को रिसाइकल के प्लांट है। प्लास्टिक कहां से बनता है? क्रूड ऑयल से। तो वो ऐसे प्लांट है कि प्लास्टिक को या तो दूसरा प्लास्टिक बना सकते हैं, या प्लास्टिक को फिर से वो क्रूड ऑयल की तरह एलडीओ बना सकते हैं, जो फिर से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं डीजल की तरह। अगर आप सोचते हैं रबर, तो रबर से ऑयल बनाने के प्लांट है प्रॉपर, जिसे ऑयल बनाता है, बनाते हैं और उसको बेचते भी है मार्केट में। क्लोथ्स, ये जो भी कपड़े आप, कोई भी कपड़े हो, यानी हम लोग बोलते हैं कि 80% वहां से आते, तो ठीक है, हर कपड़े, ये कपड़े का रिसाइकलिंग का भी बहुत बड़ा बिजनेस है। क्यों वो लोग घर 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 जाते हैं और आपसे कपड़े लेते हैं और आपको बर्तन देते हैं? क्योंकि रिसाइकलिंग का बिजनेस छोटा भी है और बड़े लेवल स्केल पे भी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें बस यही काम करना पड़ेगा, हमें एक्चुअली कबाड़ी जैसा काम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा हर वो चीज। और जैसा मैंने कहा कि अभी हर चीज के लिए रिसाइकलिंग है, हर चीज के लिए टेक्नोलॉजी है, हर चीज हम लोग बेच सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो वैसे हम लोग, हमें काम करना पड़ेगा, और एक्चुअली ऐसा काम शुरू भी हुआ है बहुत सारी जगह पे। अगर आप देखोगे तो ऐसे स्टार्टअप तैयार हुए हैं, जो स्टार्टअप क्या करते हैं कि आपके घर में आके आपको कचरा उठा के लेके जाते हैं। लेकिन आज भी वो स्टार्टअप क्या करते हैं कि वही जो कन्वेंशनल चीजें ना, पेपर की रद्दी हो गई, मेटल हो गया, बड़ा प्लास्टिक हो गया, बस वही उसी के बारे में सोचते हैं। इसके आगे हमें सोचना पड़ेगा, हमें यह सोचना पड़ेगा कि जिस ग्राम पंचायत में हम लोग काम कर रहे हैं, जिस एरिया में हम लोग काम कर रहे हैं, उसको 100%, एक तो पहले उसके क्या क्या अलग अलग तरह के अलग अलग वेस्ट है, और कैसे उस वेस्ट को 100% हम लोग लेके उसको रिसाइकल कर सकते। एक बार हमने उस एरिया के ऊपर फोकस किया, यानी इससे नेक्स्ट लेवल का हमें सोचना पड़ेगा। कोई भी चीज नहीं जानी चाहिए जो डंपिंग के लिए जाए, और फिर 100% हम लोग अपने इस एरिया को जीरो वेस्ट एरिया कर सकते हैं। और इसीलिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है MVP। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि पूरे बिजनेस में हमारे इस पूरे विजन और मिशन को जो हासिल करना है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अगर कोई, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट अगर कुछ है, तो वह एमसेल विलेज प्रोजेक्ट, MVP। और एक कचरे की भी जो समस्या है, जो पूरे देश से हमें इसको हल करना है, उसके लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है एमसेल विलेज प्रोजेक्ट। आने वाले दिनों में हम आगे के जो चीज है, उसमें हर ग्राम पंचायत को हम 100% जीरो वेस्ट करेंगे। और सिर्फ गांव की बात नहीं, तो दोस्तों आने वाले दिनों में हम लोग शहरों के लिए भी करेंगे। एक ऐसी स्ट्रेटेजी हम लोग लेके आने वाले हैं कि जिसके बाद हर वार्ड, हर म्युनिसिपल वार्ड को भी हम लोग 100% जीरो वेस्ट वार्ड बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। यस, इस देश के हर वाड़ी को, हर गांव को, हर तालुके को, हर जिले को वेस्ट मुक्त बना के, जीरो वेस्ट जगह बना के, इस देश को जीरो वेस्ट कंट्री बनाने का सपना, नारा आज शाम सर ने दिया है। गुड मॉर्निंग MCL, MCL इंडिया परिवार। आज और एक दिल को छूने वाला, दिल के बहुत करीब का, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के करीब का इशू आज शाम सर ने हमको समझाया, और उसका भविष्य भारतीय आर्थिक स्थिति से कैसे निगड़ित होगा, आम आदमी के जिंदगी कैसे निगड़ित होगा, और कैसे हम आने वाली पीढ़ी के लिए ये जीरो वेस्ट वर्ल्ड बनाएंगे, और इसकी शुरुआत हम और आप सब में मिलके करेंगे। ये जो आज का थॉट है, ये अगेन वन रिवर्सिव थॉट है। देखा होगा कि शाम सर की ये जो फ्राइडे सीरीज है, ये ट्रेनिंग है, इसका एक एक थॉट ये आखिर में जाके गांव से जुड़ता है। वो नदी हो, या फिर अपनी इंडस्ट्री हो, या जीरो वेस्ट हो, या पंचायत राज हो, आपने देखा होगा कि हर एक चीज को MCL ने गांव से जोड़ा है, क्योंकि आज भी भारत गांव में बसता है, और हर एक ग्राम पंचायत, हर एक ग्राम पंचायत का नागरिक, इस देश का नागरिक MCL के माध्यम से सुजलाम सुफलाम होगा। वही बात हमें अपनी स्टोरी में प्राचीमाना ने बताई। तो यही थॉट है, यही संदेश है कि हम भारत के हर एक नागरिक को, हर एक खेडूत को, हर एक शेतकरी को, हर एक किसान को अपनी आर्थिक आदत देंगे, और हम इस वसुंधरा को, इस धरती को बहुत प्यारी धरती बना के ही
अपने आने वाली पीढ़ी को सौंप देंगे. थैंक यू श्याम सर, इट वॉज अ रिवोल्यूशन थॉट. थैंक यू प्राची मैडम, एंड थैंक यू ऑल द MBP ओनर्स, MBS, MBO ओनर्स, PDA, सीनियर PDA, प्राइम PDA, ऑल द फार्मर्स एंड ऑल हु ट्रस्ट MCL. थैंक यू वेरी मच. मैं आपको और एक बात दोहराना चाहूंगा कि आपको इस देश की मिट्टी का वास्ता है और MCL ही सुजलाम सुफलाम भारत का रास्ता है. जय हिंद, जय MCL. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रवेश सर. एंड दोस्तों, मैं फिर एक बार आप लोगों को याद दिला दूं कि जो चैट बॉक्स में लिंक शेयर की गई है उसके ऊपर जाकर आप आपका फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिए. आपका फीडबैक हमारे साथ शेयर करना मत भूलिए, बहुत 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 महत्वपूर्ण है आपका फीडबैक. सो फिर एक बार अब शुक्रिया अदा करना का वक्त आ चुका है और मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा प्राची मैडम का, जिन्होंने हर बार की तरह आज भी एक इंस्पायरिंग स्टोरी हमारे साथ शेयर की. आपका एजुकेशन क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये कोई मायने नहीं रखता. अगर आपके दिल में वो ज्वलंत चाह है तो आप आपके आसपास के लोगों को और समाज को किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये आज हमें प्राची मैम की जो स्टोरी थी, मनसुख भाई प्रजापत, इनकी स्टोरी से पता चलता है. शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच प्राची मैम फॉर दिस सच अ वंडरफुल एंड इंस्पायरिंग स्टोरी. एंड शुक्रिया अदा करने का अब वक्त है उस इंसान का जो बात चाहे कहीं से भी शुरू करे लेकिन बात आकर रुकती है हमारे गांव के विकास के ऊपर और हमारे समाज की उन्नति और हमारे देश की प्रगति पर. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर श्याम सर फॉर गिविंग अस दिस थॉट्स, जिसकी वजह से हम ये सोचने पर मजबूर हो गए कि प्रकृति ने, जी हाँ प्रकृति ने कुछ भी बेकार चीज नहीं बनाई है. एवरीथिंग इज वेरी वर्थ, लेकिन बस मनुष्य है जो इस चीजों को बेकार बनाकर अब प्रकृति का पूरा नुकसान कर रहा है और MCL को वो सुनहरा अवसर अभी प्राप्त हो चुका है ताकि ये सारी गलतियां जो बाकी लोग कर रहे हैं उनको हम सुधार सके. जी हाँ दोस्तों, अब आने वाले दिनों में किस तरह से, जिसे आज लोग कचरा कहकर लोग शायद नाक बंद कर लेते होंगे, मुंह मोड़ लेते होंगे, लेकिन आने वाले दिनों में हमारे लिए वही रिसोर्स बनेगा और किस प्रकार से हम इस रिसोर्स का यूज करके हमारे गांव को, हमारे ग्राम पंचायत को, हमारे शहरों को और पूरे देश को हम जीरो वेस्ट कर सकते हैं, इसका दाखला आज श्याम सर ने अपने प्रेजेंटेशन में बहुत ही बखूबी बताया है. थैंक यू वेरी मच श्याम सर, वी आर रियली 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 थैंकफुल फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स टू यू. थैंक यू वेरी मच. शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सारे BDA, प्राइम BDA, MPO, MBS, MVP चैनल पार्टनर्स और सभी लोगों का, सारे स्टेक होल्डर्स का जो हर शुक्रवार इस सेशन को अटेंड करते हैं. थैंक यू वेरी मच. एंड शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारी पूरी MCL टीम का. थैंक यू वेरी मच. सो फिर एक बार दोस्तों आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि कृपया आप अपना, अपनी सेहत का और अपने पूरे MCL परिवार की सेहत का ख्याल रखिए. इसी के साथ मैं मंगेश सेलार, आपका होस्ट, आज यहाँ पर यह घोषित करता हूँ कि आज का यह सेशन यही समाप्त हुआ. धन्यवाद.